वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने एक सॉस पैन लिया है, 2 कप चने की दाल ली और इसको 2-3 घंटे सोख कर कर रख दिया था। सबसे पहले हम ये ऐड कर देंगे। इसमें हम 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे। आधा कप ही पानी ऐड करेंगे और इसको 80% तक कुक कर लेंगे। हमारी दाल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल 80% कुक हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर कर पीस लेंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। हमने थोड़ा सा कसा हुआ नारियल लिया है, थोड़े से कटे बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू लिए हैं, ये ऐड कर देंगे और इनको 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। केक में से अच्छी सी खुशबू आने लगी। हमारे ड्राई फ्रूट को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने ड्राई फ्रूट को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हमने जो चने की दाल ली थी उसको पीस लिया था, ठंडा कर कर वो ऐड कर देंगे। और इसको लगातार फैलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। हमारी दाल को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूना है। दाल अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमने दाल को बाहर निकाल लिया है। अब हम 2 चम्मच घी और ऐड करेंगे। जिस कप से हमने दाल ली थी 2 कप, 1.5 कप हमने चीनी ली है उसी कप से नाप कर ये ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। हमारी चाशनी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई कर कर रखे थे ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो दाल भून कर तैयार की थी वो ऐड करेंगे चलाते हुए। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। हमारे हलवे को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट
और लगेंगे इसको पकने में। लगातार ही चलाते रहना है। हमारे हलवे को पकते हुए 5 मिनट और हो चुके हैं, ये बनकर तैयार है। हमने एक ट्रे ले लिए और उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें हलवा पलट देंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे। हमने हलवे को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसको कटे बादाम और थोड़े से ग्रेट किया हुआ नारियल से गार्निश कर देंगे और हल्का सा इसको दबा देंगे। और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठंडा कर कट करेंगे। हमारे हलवे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हमारा हलवा कट हो चुका है। अब हम पीसेस को बाहर निकाल देंगे। अब हम इसके पीसेस को बाहर निकालेंगे। हमारा हलवा अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में अरेंज कर देंगे। हमने चने की दाल के हलवे को सर्विंग प्लेट में अरेंज कर दिया है। ये सर्व करने के लिए रेडी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।